हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड आप? आई होप सब ठीक होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। मैं आकांक्षा, मैं आपके अपने चैनल माँ बेटी ब्लॉग्स में आपका वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको बताऊंगी कि छोटे बच्चों को कफ, सर्दी, खांसी से कैसे बचाया जा सकता है। मैं आपको घरेलू नुस्खे बताऊंगी, आप उसका मेरे नुस्खों का यूज करके बच्चों को सर्दी खांसी जैसी समस्या से सर्दियों में बचा सकते हैं। तो आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बीच में से स्किप मत कीजिएगा। अगर आप बीच में से स्किप कर देते हैं फ्रेंड्स, तो ये ऐसी वीडियोज़ होती हैं जो फिर बीच में से अगर स्किप करिए तो बाद में समझ नहीं आती, इसलिए पूरी वीडियो को देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें सर्दियों में अक्सर आपने देखा होगा कि सर्दी, खांसी, कफ हो जाता है। अभी सर्दियां बहुत तेज़ पड़ने लगी हैं, हमारे यहाँ तो बहुत तेज़ सर्दी होने लगी है। अगर आपके यहाँ भी होने लगी हो तो बच्चों को सर्दी खांसी बहुत जल्दी हो जाता है। बच्चों को देखिए डॉक्टर के यहाँ ले जाना कोई नहीं चाहता है, और इस समय ये कोरोना वाले सीजन में तो कोई नहीं चाहता है कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाएं और दवाइयां दिलाएं। और सर्दियों में तो देखिए बच्चों को सर्दी खांसी हो ही जाती है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप बच्चों को डॉक्टर के यहाँ ना ले जाकर आप घरेलू नुस्खे अपनाएं उनके ऊपर, जिससे उनकी सर्दी खांसी में आराम मिल जाएगा। अगर फिर भी आराम नहीं मिल रहा है, 3 से 4 दिन 4 से 5 दिन ही मिल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाएं। और या उन्हें ज़्यादा परेशानी हो रही है, कफ ज़्यादा जम गया है, सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ हो रही है, फिर आप डॉक्टर के पास उनको बच्चों को ले जा सकते हैं, अन्यथा आप घरेलू नुस्खे ही अपनाएं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका 0 से 6 महीने का बच्चा है तो उसके ऊपर तो आप ज़्यादा कुछ ट्राई ना करें तो अच्छा है। अगर 6 महीने से बड़ा बच्चा है तो उसके ऊपर आप ट्राई करें। 0 से 6 महीने के बच्चे माँ का ही दूध पीते हैं, तो अगर माँ को ही अपने सर्दियों में डाइट अच्छी होनी चाहिए, माँ को ज़्यादा ठंडी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, जिससे बच्चों को सर्दी खांसी नहीं होगा। और जो 6 महीने से ऊपर के बच्चे होते हैं, जिन्हें हम थोड़ा सा लिक्विड या कुछ भी खाने को देने लगते हैं, तो उनको आप मेरी ये जो मैं दवा बताऊंगी वो आप दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर 0 से 6 महीने का बच्चा है तो आप बिक्स बेबी रब बच्चे के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। उसके गले में और सीने में आप थोड़ी सी बिक्स को लगा दीजिए, तो जिससे उसको हल्की हल्की राहत मिल जाएगी सर्दी से। बिक्स बेपोर अब नहीं लगाना है फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिएगा, इतने छोटे बच्चे को बिक्स बेबी रब ही आप लगाइए, वही उसके लिए सबसे अच्छी होती है। और 6 महीने से बड़ा बच्चा है या और 1 साल या 2 साल 3 साल 4 साल, फिर आप जितना भी बड़ा बच्चा है उसके ऊपर मेरी ये दवाई ट्राई कर सकती हैं। आपको क्या करना है फ्रेंड, थोड़ा सा आधा चम्मच आपको शहद लेना है। शहद को आपको हल्का सा गुनगुना कर लेना है, हल्का सा ही गुनगुना आपको शहद को करना है। उसमें आपको क्या करना है, अदरक को क्रश कीजिए अच्छा से, जो अदरक बारीक हो जाता है। उसके बाद में अदरक का रस निकाल लीजिए, कपड़े की हेल्प से आप उसको थोड़ा सा निचोड़ कर रस निकाल लीजिए। अदरक के रस, आधा चम्मच शहद और आधा चम्मच अदरक का रस आपको मिला लेना है। उसको जो आपने शहद गर्म किया है उसमें ही आप अदरक का रस मिला लेंगे, तो अदरक का रस भी हल्का सा गुनगुना हो जाएगा। उसके बाद में आप दिन में कम से कम 3 से 4 बार बच्चे को वो आप हल्का हल्का सा पिलाते रहिए। अगर बच्चे नहीं पी रहे हैं तो आप क्या कीजिए, हल्का सा स्पून में लीजिए और बच्चे की जीभ पर रख दीजिए। ज़्यादा छोटा बच्चा है, नहीं खा रहा है, तो आप हल्का सा उसकी जीभ पर रख दीजिए। देखिए अदरक का हल्का सा टेस्ट मिर्ची जैसा लगता है, लेकिन आप चाहें बच्चा खा रहा हो या ना खा रहा हो, आप वो खिलाइए 100%। इससे आपको बच्चे को कुछ हद तक बहुत राहत मिल ही जाएगी, तो ऐसा आप बच्चे के साथ में कर सकते हैं। और देखिए देखिए फ्रेंड्स, सेकंड आप बच्चों को जायफल ज़रूर दीजिए सर्दी में। आपने देखा होगा कि जायफल बच्चों को घिस के दिया जाता है, जायफल के साथ में छुहारा भी घिस के बच्चों को दिया जाता है। जायफल बहुत चीज़ों में हेल्प करता है लिए, इसलिए आप बच्चों को सर्दियों में जायफल घिस के थोड़ा सा छुहारे के साथ में जरूर दीजिए। छुहारा भी गर्म होता है और जायफल भी, तो जिससे क्या होगा कि बच्चे को सर्दी खांसी बिल्कुल भी नहीं बैठेगी। थर्ड टिप से मेरी कि आप ये देखिए, ये ऐसा वाला हॉट बैग यूज कर सकते हैं, हॉट बैग है। आप क्या कीजिए, बच्चे के हल्की गले में और चेस्ट में बिक्स लगा दीजिए। बिक्स लगाने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो हॉट बैग है इसको बच्चे के चेस्ट पर ऐसे रख देना है। और आपको ये वाला हॉट बैग जो होता है, इसे आपको चार्ज करना होता है,
आप इसे चार्ज पर लगाएंगे तो ये 1 मिनट में ही गर्म हो जाएगा, उतना गर्म हो जाएगा जितना आपको चाहिए। बच्चे के ऊपर देखिए, आप ज़्यादा गर्म नहीं रख सकते हैं, आप हल्का सा गुनगुना सा ही गर्म रखेंगे। तो आप बच्चे के चेस्ट पर इसको रख दीजिए और आप ऊपर से कपड़ा रख दीजिए और इसे आप पकड़ लीजिए। थोड़ा हैवी होता है इसलिए आप इसको पकड़ते हैं, तो आप इसको पकड़ के रखिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इससे बच्चे के गले में फ्रेंड्स जो भी कफ जमा हुआ है वो पिघल जाएगा इसकी सहायता से। और देखिए, कफ दो ही रास्तों से बाहर निकलता है, या तो पॉटी के रास्ते से या फिर वॉमिटिंग के द्वारा। बच्चे को वॉमिट हो जाएगी, मेरी बेटी का कफ हमेशा वॉमिटिंग के द्वारा ही बाहर निकलता है। उसे वॉमिट होती है तभी उसका कफ बाहर आता है, किसी किसी बच्चे का कफ पॉटी के द्वारा भी बाहर आता है। तो आप सर्दी खांसी में ये सब चीज़ें सर्दियों में तो आप यूज कीजिए। अगर आपके पास में ऐसा वाला वाटर हॉट बैग नहीं है तो आप बॉटल का भी यूज कर सकते हैं। आप एक बॉटल में ही गुनगुना पानी ले लीजिए, छोटी सी बॉटल लीजिए, उसमें गुनगुना पानी ले लीजिए और उससे हल्की हल्की बच्चे की सिकाई कर दीजिए। इससे भी आपको उनके बच्चे को कुछ हद तक राहत मिल जाएगी। फोर्थ टिप है फ्रेंड्स मेरी, आप बच्चे के जब सर्दियों में, चाहे बच्चे को जुकाम खांसी है या नहीं है, कफ है या नहीं है, फिर भी आप बच्चे के चेस्ट पर गरम तेल जरूर लगाइए। गरम तेल आप थोड़ा सा हल्का सा सरसों का तेल गुनगुना कीजिए, उसमें आप हल्का सा सेंधा नमक मिला लीजिए और उसको मिलाने के बाद में हल्का गुनगुना ही लगाना है। आप जब भी लगाएंगे बच्चे के, दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार हल्का गुनगुना ही आपको लगाना है। फ्रेंड्स देखिए, ये जो भी आप अगर गर्मियों भी इसे यूज कर रहे हैं, अभी तो सर्दियाँ हैं, अगर आप इसे मेरी टिप्स को गर्मियों में भी यूज करेंगे तो आप फैन को ऑफ कीजिएगा तभी आप बच्चे को ये लगाइए। और एसी कूलर बिल्कुल भी चालू नहीं होनी चाहिए। फैन तो अगर आपने चालू किया हुआ है तो बच्चे को फैन के नीचे नहीं सुलाना है, उसको थोड़ा सा हटकर ही बच्चे को आपको सुलाना है। और सर्दियों में तो फैन चलते ही नहीं है, तो आप इसे रात में लगा दीजिए। बच्चे को सुबह तक देखना, कफ बिल्कुल उसका धीरे धीरे पिघलने लगेगा, इससे आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास ही जाइए। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी ये टिप्स पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने फैमिली फ्रेंड्स में। और आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप मेरी वीडियो देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आपको बस